हेलो दोस्तों दोस्तों आज के टाइम में 2021 में अंडर 15,000 में बहुत से अच्छा स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन आपको हर स्मार्टफोन में किसी में कैमरा अच्छा मिलेगा, तो किसी में बैटरी अच्छी मिलेगी, तो किसी में रैम ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह आपको हर स्मार्टफोन में कुछ कमियाँ मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अंडर 15,000 में मिलने वाले सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स एक फ़ोन में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों हम सबसे पहले जिस फोन की बात करेंगे वो है पोको M2 Pro। तो चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन के स्पेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, तो इस स्मार्टफोन में आपको गेमिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W फास्ट चार्जर के साथ। डेली यूजर्स के लिए इतनी बड़ी बैटरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा कोलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर। इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। मल्टीटास्किंग वगैरह में आप हैवी एप्स को इजिली चला पाएंगे एंड इजिली हैवी गेम्स को हाई FPS पे खेल पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे की। तो इसमें आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा, 5MP का मैक्रो कैमरा एंड 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और वहीं इसके फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस मिल जाते हैं। इसे आप 4K वीडियो को 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है, साथ ही इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और यह आपको 3 डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाएगा, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रैम स्टोरेज एंड प्राइस की। तो 2 रैम वेरिएंट में मिलता है, जिसमें आपको टॉप वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाता है 14,000 में। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने सेकंड स्मार्टफोन की। तो हमारे सेकंड नंबर पे है नार्जो 20 प्रो। तो चलिए इसके मेन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले को देखें तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। तो इसके डिस्प्ले से आपको गेमिंग वगैरह में स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें बैटरी की। तो दोस्तों इसमें 4500mAh की बैटरी मिल जाती है 65W के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों बैटरी थोड़ी कम है, बट आपको 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जिससे ये फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसमें MediaTek Helio G95 का पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। गेमिंग में आपको कोई भी स्ट्रकिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप इसमें हैवी गेम्स को हाई FPS पे इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसके कैमरे को। तो इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 22MP के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। दोस्तों इसके कैमरे की कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके कैमरे से आप काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। यह स्मार्टफोन आपको 2 कलर में मिल जाता है, ब्लैक एंड वाइट। तो अब बात करते हैं रैम स्टोरेज एंड प्राइस की। तो फोन 2 रैम वेरियंट में आते हैं। इसका बेस वेरियंट 6GB रैम 64GB स्टोरेज मिलता है। दोस्तों इसके बाकी सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। इस स्मार्टफोन में सबसे अच्छी बात यह है कि 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो हमारे थर्ड नंबर पे है Redmi Note 10। इस स्मार्टफोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, इसके ऊपर के साइड में IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। और यह स्मार्टफोन 3 डिफरेंट कलर में आते हैं, फ्रॉस्ट वाइट, शेडो ब्लैक एंड एक्वा ग्रीन। तो चलिए अब इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। इसमें डिस्प्ले देखें तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज मिल जाता है। दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, इसमें गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W फास्ट चार्जर के साथ। इससे फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगा और आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कोलकॉम स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर लगा हुआ है, गेमिंग वगैरह आप इजीली कर पाएंगे, मिड टू हाई FPS पे भी अच्छी तरह से खेल पाएंगे, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 22MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में 13
मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से आपको काफ़ी हाई क्वालिटी के पिक्चर्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसके कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज एंड प्राइस की। तो यह स्मार्टफोन 2 RAM वेरिएंट में मिलता है और 6 GB वाला वेरिएंट 14,500 में मिल जाता है। डिफरेंट कलर पे डिफरेंट प्राइस देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड बाकी सारे फीचर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो चलिए अब हम अपने 4th नंबर के स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो हमारे 4th नंबर का जो स्मार्टफोन है वो है Poco X3। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो चलिए इसमें सारे मेन फीचर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज मिल जाता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इस स्मार्टफोन का। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 6000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलता है 33W फास्ट चार्जर के साथ। काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है, इसे आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग और बाकी एक्टिविटीज़ को इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर मिल जाता है तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, मल्टीटास्किंग इजीली कर पाएंगे एंड गेम्स को भी हाई FPS पे इजीली खेल पाएंगे। इस स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है तो सेम टाइम पे इसमें आप 2 SIM या 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को ही यूज़ कर पाएंगे। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है एंड ये स्मार्टफोन 2 कलर में आते हैं, कोबाल्ट ब्लू एंड शेडो ग्रे। अब इसके कैमरे को देखें तो इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड 22 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फोटोज़ देखने को मिल जाते हैं तो कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो चलिए अब इसके रैम स्टोरेज एंड प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये फ़ोन 2 RAM वेरिएंट में आते हैं और इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, ये आपको 15,000 में मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है और इस स्मार्टफोन के बाकी सारे फीचर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने सबसे लास्ट फ़ोन की। तो हमारे पहले नंबर पे है Realme 8। दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है। तो चलिए इस स्मार्टफोन के मेन एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसके डिस्प्ले को देखें तो इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। इसके डिस्प्ले में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस डिस्प्ले में आपको गेमिंग के बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W डार्ट चार्जर के साथ, इससे फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G95 का पावरफुल प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाला है, आप हाई FPS पे गेम्स को इजीली खेल पाएंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है एंड ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर में मिल जाता है, साइबर ब्लैक एंड साइबर सिल्वर। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे की। तो इसमें मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 22 मेगापिक्सल के पोर्ट्रेट और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं और वहीं इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस मिल जाते हैं। इसके कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं तो आप इसके कैमरे से हाई लेवल के फोटोज़ को इजीली क्लिक कर पाएंगे। दोस्तों अब इस स्मार्टफोन के रैम स्टोरेज और प्राइस को देखें तो स्मार्टफोन 3 RAM वेरिएंट में आता है और इसका बेस वेरिएंट 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ आता है और इसका प्राइस है 15,000। तो दोस्तों देखा जाए तो सारे स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं, तो मैंने इन स्मार्टफोन को कोई रैंकिंग में नहीं रखा है। तो आप इनमें से अपनी पसंद की कंपनी के फ़ोन्स को बाय कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी फ़ोन्स को लेकर तो कमेंट में जाके कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।